नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। शेष बचे निगम मंडल आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्तियां जल्द, संघर्षशील कार्यकर्ताओं को मिल सकती है जगह। प्रदेश में बचे हुए निगम मंडल आयोग और प्राधिकरणों में दूसरे चरण की राजनीतिक नियुक्तियां जल्द हो सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक में 20 उपक्रमों के लिए नाम लगभग तय हो चुके हैं। दूसरी सूची जल्द जारी हो सकती है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो इस सूची में किसी भी विधायक को स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल सदस्य, सचिव और निगम मंडलों में पहले ही 49 विधायक शामिल किए जा चुके हैं। राज्यसभा सांसद नेताम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा पत्र। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर कहा कि जिला बलरामपुर रामानुगंज जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा खुटपाली व्यापरतन परियोजना का गलत ड्राइंग डिजाइन तथा निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार होने की बात कही है। उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच एवं दोषी अधिकारियों तथा अन्य संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की है। दंतेवाड़ा में शहीदी सप्ताह के पहले दिन ही नक्सली स्मारक ध्वस्त, ग्रामीणों की सूचना पर DRG जवानों ने की कार्यवाही। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जवानों ने मंगलवार सुबह नक्सली पोड़िया के स्मारक को ध्वस्त कर दिया। DRG जवानों ने यह कार्यवाही एक बार फिर ग्रामीणों की सूचना पर की। खास बात यह है कि यह कार्यवाही नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के पहले दिन की गई है। नक्सली 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा और गश्त बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक किरंदुल क्षेत्र के गुमियापाल रैयापारा में मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि नक्सलियों ने गांव में एक स्मारक बनाया है। इस पर DRG के जवान मौके पर पहुंचे तो मारी गई नक्सली पोड़िया का स्मारक नक्सलियों ने बनाया था। इस पर DRG जवानों ने स्मारक को ध्वस्त कर दिया। एडिशनल कलेक्टर SDM कार्यालय सील। पेंड्रा गौरेला के 2 IAS अधिकारियों के स्टाफ में कोरोना वायरस का संक्रमण मिलने के बाद इनके कार्यालय को सील कर दिया गया है। SDM मयंक चतुर्वेदी के ड्राइवर के अलावा एडिशनल कलेक्टर अजीत बसंत के ड्राइवर और गनमैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला कलेक्टर डोमन सिंह ने दोनों IAS अधिकारियों के कार्यालयों के कुछ हिस्से को सील करने के आदेश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन के संबंध में कलेक्टरों ने दोनों अधिकारियों के कमरों के साथ ही साथ अगल बगल के कमरों और स्टेनो कक्ष को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। बता दें कि अतिरिक्त कलेक्टर का कार्यालय कलेक्टर ऑफिस परिसर में ही संचालित हो रहा है। किराना और राशन दुकान 29 और 30 जुलाई को सुबह 8 से 12 बजे तक खोलने की मांग। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 29 और 30 जुलाई को किराना और राशन दुकान सुबह 8 से 12 बजे तक खोलने की मांग की है। आपको बता दें कि 28 जुलाई के बाद से लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ाया गया है। कोरोना संक्रमण के आधार पर जिले के कलेक्टर्स को लॉकडाउन बढ़ाने के लिए फ्री हैंड कर दिया गया है। कलेक्टर्स अपने जिले में कोरोना मरीजों की संख्या के आधार पर लॉकडाउन आगे बढ़ा सकते हैं। ITBP कैंप में 8 नए कोरोना मरीजों के साथ कुल आंकड़ा हुआ 50। बलौदा बाजार में 17 नए कोरोना मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर से सटे खरोरा इलाके में स्थित ITBP कैंप में एक बार फिर 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी संक्रमित भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान हैं। वहीं बलौदा बाजार में 17 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पलारी में 15 तो कसडोल में 2 नए मरीज मिले हैं। देश में अब तक 33,000 मौतें। पिछले 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें भारत में हुई। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 15 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 47,704 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 654 लोगों की मौत हुई है। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए रतन टाटा, मुकेश अंबानी सहित उद्योग जगत की नामचीन हस्तियों को निमंत्रण मिला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के मुहूर्त का दिन 5 अगस्त तय हो चुका है। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए करीब 200 लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है और इसमें राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों के अलावा और भी कई जानी मानी हस्तियों को बुलाया जा रहा है। उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों को निमंत्रण, मुकेश अंबानी, रतन टाटा के नाम शामिल है। CBI जांच की मांग तेज। गृह राज्य मंत्री से मिले BJP नेता।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध खुदकुशी के मामले में सीबीआई जांच की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे के बाद अब बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने सीबीआई जांच की मांग की है। रामेश्वर चौरसिया ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।